क्षत्रिय खंगार समाज जिला उज्जैन द्वारा महाराजा खेत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्षत्रिय खंगार महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के सचिव परमानंद सिंह ठाकुर और नारायण सिंह वर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं महाराजा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात देवास से पधारे अतिथियों का स्वागत और समस्त पदाधिकारियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात महाराजा खेत सिंह के जीवन का संक्षिप्त विवरण समाज अध्यक्ष सी आर पवार द्वारा प्रस्तुत किया गया। महाराजा खेत सिंह खंगार जयंती प्रतिवर्ष 27-28-29 दिसंबर को 3 दिवसीय कार्यक्रम गठकोंडार जिला निवाड़ी के मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से मनाए जाने पर समाज द्वारा शासन का आभार व्यक्त किया गया। जयंती समारोह में मुख्यत उज्जैन समाज अध्यक्ष और समाज जन उपस्थित रहे। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। 853वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ से भव्य पैमाने पर मनाने का भी ये था, लेकिन हमारे अधिकतर साथी जो है समाज बंधु और दो एक बसे जो है गढ़कुड़ार में हर साल मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से गढ़कुड़ार महोत्सव का आयोजन किया जाता है 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। महाराजा खेत सिंह खंगार इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के हिसाब से एक संघ बनाया था, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को मिला के जो संघ बनाया था वो खंगार संघ कहलाता है। राष्ट्र धर्म का पालन जो उन्होंने निभाया और 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक उनका शासन वहाँ पे बुंदेलखंड गढ़कुड़ार में चला और विभिन्न जगहों पे आज के दिन हमारे समाज के जितने भी जाति बंधु है हर राज्य में पूरे हिंदुस्तान में इनकी संख्या है और हर शहर में उनके आज जयंती बड़े पैमाने पे मनाई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सी आर पवार, उज्जैन क्षत्रिय खंगार समाज का अध्यक्ष हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।